ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज अत्यंत ही महान दिवस है, शुभ दिन है, श्री गोवर्धन पूजा। व्रज धाम में जो गोवर्धन पर्वत है, जिसको भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उठाया, रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में एक बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। मथुरा धाम वैकुंठपुरी धाम से अत्यंत महान है। हम लोग सब सोचते हैं मुझे वैकुंठ जाना है हमें, लेकिन वेदों में बताया है वैकुंठ धाम से भी श्रेष्ठ धाम मथुरा धाम है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वयं भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। लेकिन आगे रूप गोस्वामी कहते हैं मथुरा धाम से भी श्रेष्ठ गिरी गोवर्धन है, क्योंकि इस गिरी गोवर्धन को भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उठाया, अपने व्रज के भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ने स्वयं अपने हाथों से गोवर्धन पर्वत को उठाया। इसलिए गोवर्धन पर्वत मथुरा से भी महान है। चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि हम लोग कई बार प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है भगवान कृष्ण की पूजा तो हम करते हैं, लेकिन एक गोवर्धन पहाड़ की पूजा क्यों है? कई बार हम लोग सोचते हैं। जैसे एक बार हिंदी में एक नास्तिक कवि थे, वो लिखते हैं पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर को पूजने से हरी मिलता है तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, क्योंकि पहाड़ तो बहुत बड़ा पत्थर है। तो हम लोग भी सोचेंगे कि भाई ठीक है, हम भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन ये पहाड़ की पूजा क्यों? गोवर्धन पूजा मतलब जो है गोवर्धन, जो गिरी गोवर्धन है, पर्वत है, उसकी पूजा का क्या फायदा है? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं आराध्य व्रजेश तनया, जिस प्रकार से व्रज के तनु कुमार भगवान कृष्ण आराध्य हैं, पूजनीय हैं,
तद धाम वृंदावनम। ठीक उसी प्रकार से आराध्य पूजनीय भगवान से जुड़े हुए उनके धाम हैं, गोवर्धन धाम, वृंदावन धाम, ब्रज धाम। भगवान और भगवान से जुड़े हुए किसी भी पदार्थ में कोई अंतर नहीं है। भगवान में भगवान की लीलाओं में, भगवान में भगवान के धाम वृंदावन गोवर्धन, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो जिस प्रकार से भगवान पूजनीय है, भगवान के धाम भी पूजनीय है। भगवान भागवत में स्वयं कहते हैं, शैल्यो अस्मि। ये जो गोवर्धन पर्वत हम देख रहे हैं, भगवान कहते हैं वो मैं हूं स्वयं। तो इस लीला के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। भगवान व्रजवासियों को समझाते हैं कि गोवर्धन पर्वत में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इंद्र की पूजा के बदले में भगवान ने व्रजवासियों से कहा, इंद्र की उपासना करने का कोई फायदा नहीं है। भगवान के भक्तों को देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये लीला इसलिए भगवान ने जो है व्रज धाम में रचाई। भगवान चाहते थे कि जब मैं स्वयं व्रज धाम में पर्सनली निजी रूप से जब भगवान वहां पर प्रेजेंट हैं, भगवान चाहते थे कृष्ण की एक्सक्लूसिव, मतलब जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, माम एकम शरणम व्रजा सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण एकमात्र में आ जाओ। तो भगवान इस प्रकार की एकांतिक भक्ति सिखाना चाहते थे इस गोवर्धन लीला के द्वारा। तो दो बड़े महत्वपूर्ण चीजें भगवान समझाना चाहते थे गोवर्धन लीला के द्वारा। एक, गोवर्धन पर्वत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। दूसरा, भक्तों को देवताओं की उपासना की आवश्यकता नहीं है। अगर वो भगवान की भक्ति में लगे हैं तो उन्हें देवताओं की उपासना की आवश्यकता नहीं है। हुआ क्या कि कृष्ण और बलराम ने देखा कि व्रजवासी जो हैं, उन्होंने बड़ा बड़े पैमाने के ऊपर अनेकों प्रकार से प्रयोजन बनाया है इंद्र देवता की पूजा करने के लिए। तो सालों साल से व्रज धाम में इस प्रकार से इंद्र की पूजा की जाती थी, क्योंकि व्रजवासी जो है वो वैश्य समुदाय से थे और उनका कार्य क्या होता है, कृषि गो रक्षा। और कृषि करने के लिए और गाय के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। और पानी के देवता कौन है, बारिश करने वाले कौन है, इंद्र देवता है। तो इसलिए ये समझ के सारे व्रज के लोग जो है, उन्होंने जो है बड़ा कार्यक्रम बनाया था इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, इंद्र देवता के लिए यज्ञ करने के लिए। अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री, अनेकों प्रकार के पूजनीय सामान सब जो है वहां पर उपस्थित थे। तो कृष्ण ने नंद महाराज से कहा कि पिताजी, इंद्र देवता केवल भगवान के उनके एक अधिकारी मात्र हैं, और जब हम अपनी तरफ से अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं तो अधिकारी को भी अपना कर्तव्य करना पड़ता है।
जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम लोग सब हुबली धारवाड़ में रहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट में आपका टैक्स भर रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स भर रहे हैं, तो आपको जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं उनका भी कर्तव्य बनता है आपको फैसिलिटी देने का, करेक्ट है कि नहीं? आप टैक्स भर रहे हैं, आपको पानी मिलना चाहिए, आपको बिजली मिलनी चाहिए, आपको जो है उन्हें रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल क्या करें, देना पड़ता है ऐसा समय आ गया है। लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग टैक्स भर रहे हैं तो हमें उन्हें अलग से जो है कुछ रिश्वत देने की जरूरत नहीं। यही भगवान समझाना चाहते हैं कि अगर हम भगवान की उपासना में लगे हैं, हम लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं, इंद्र एक अधिकारी मात्र हैं इस मैनेजमेंट में, ये जो भौतिक संसार है इसके मैनेजमेंट के लिए अनेकों प्रकार के ऑफिसर्स हैं भगवान के, वायु देवता है, इंद्र देवता है, वरुण देवता है, अनेकों प्रकार के देवता हैं। तो अगर हम ये वेदों में उदाहरण दिया है, जड़ में पानी डालते हैं तो क्या हमें पेड़ के पत्तों में पानी डालने की आवश्यकता है अलग से? क्या हमें उसकी शाखाओं में पानी डालने की आवश्यकता है? नहीं है। ठीक इसी प्रकार भगवान जड़ है और सारे देवता भगवान की शाखा है। तो अगर हम जड़ में पानी डाल रहे हैं, भगवान की उपासना में लगे हैं, तो अलग से देवी देवताओं की पूजा करने की, उपासना करने की कोई जरूरत, आवश्यकता नहीं है। ये भगवान जो है इस लीला के द्वारा समझाना चाहते थे। तो नंद बाबा और बाकी सब गोपागण मान गए कृष्ण ने जब उनसे निवेदन किया कि तुम जितनी भी तुमने सामग्री बनाई है ये सब एक काम करो, इसको फेंकने की जरूरत नहीं है, इसी सामग्री के द्वारा हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, इसी सामग्री के द्वारा हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। भागवत में बताया है गोवर्धन की पूजा के लिए क्या क्या अरेंजमेंट की गई, मैं जस्ट थोड़ा सा उसमें से पढ़ता हूं। प्रभुपाद जी जो है कृष्ण किताब में उसके बारे में बताते हैं। प्रिपेयर वेरी नाइस फूड ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ग्रेन एंड घी कलेक्टेड फॉर द यज्ञ। भगवान कृष्ण नंद महाराज को कहते हैं और जितने भी वहां पे गोपागण हैं उनको कहते हैं कि तुमने यज्ञ करने के लिए जो भी सामग्री तुम लेकर के आए हो, जितने भी धन धान्य हैं, अनाज हैं, उन सब से एक बहुत सुंदर भोग बनाओ। इसलिए आज हम लोग यहां पर देख रहे हैं अन्नकूट का भोग यहां पर है। गोवर्धन की पूजा कैसे की जाती है हम लोग देख सकते हैं, भगवान ने स्वयं बताया, जितने भी हमारी तरफ से हो सकता है धन धान्य के द्वारा हम जो है भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो यही भगवान ने कहा, क्या क्या कहा उसमें भी प्रभुपाद जी उसके बारे में बताते हैं। राइस, अन्न, दाल, हलवा, पकोड़ा, पूरी, अनेकों प्रकार के दूध से बने हुए व्यंजन, जैसे स्वीट राइस जिसको खीर बोलते हैं, रबड़ी, रसगुल्ले, संदेश, लड्डू, थोड़ी थोड़ी चीज आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी बाद में वो कहते हैं सभी ब्राह्मण को बुलाओ और ये ब्राह्मण जो है वैदिक मंत्रों का जप करेंगे। बाद में सभी गायें जितनी भी हैं उन सबको सुंदर तरीके से सजाओ। आज आपको ज्ञान होगा, आज गोवर्धन पूजा भी है और गो पूजा भी है। सवेरे हमारी गौशाला में गाय की पूजा हम लोगों ने जो है आयोजित की थी, दोनों मानी जाती है, गोवर्धन पूजा और गो पूजा। तो ये हम लोग देख सकते हैं गोवर्धन पूजा हमने प्रारंभ नहीं करी है, ये स्वयं भगवान ने प्रारंभ करी है, गो पूजा स्वयं भगवान ने जो है प्रारंभ की है। बाद में
भगवान कहते हैं इस प्रकार से गोवर्धन को भोग चढ़ा करके सभी लोगों में महाप्रसाद वितरण करो। तो अभी भगवान का भोग चढ़ेगा गोवर्धन का, और बाद में अन्नकूट में से आप सबको महाप्रसाद दिया जाएगा। इस प्रकार से गोवर्धन की पूजा है। आगे वो कहते हैं जो सेक्रीफाइस जो यज्ञ है वो तुरंत प्रारंभ करो। तो इसके बाद में यज्ञ प्रारंभ हुआ और गोवर्धन को भोग लगा, तब भगवान ने जो है स्वयं गोवर्धन का रूप धरा और वहां पर जो है सभी लोगों के सामने कहा कि मैं ही गोवर्धन हूं, मेरे में और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है। तो इसके बाद में सभी व्रजवासियों ने इन गायें जितनी भी उनकी गायें थी उन सब के साथ में गोवर्धन की परिक्रमा की। तो गोवर्धन की परिक्रमा भी प्रारंभ भगवान ने, गोवर्धन पूजा, गो पूजा और गोवर्धन की परिक्रमा, आज भी लोग गोवर्धन में जाकर के व्रज धाम में गोवर्धन में जाकर के गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। ये सब जो है भगवान ने प्रारंभ की। तो जब इस प्रकार से चल रहा था तो इंद्र जो है वो बड़े गर्वित हो गए, वो बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने देखा कि इतने साल से ये व्रज के लोग मेरी पूजा करते थे, आज इस छोटे से बालक के कहने पर इन्होंने जो है मेरी पूजा का त्याग करके गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। तो ये देख करके जो है इंद्र बड़ा क्रोधित हो गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कई बार क्या होता है, भक्त लोगों के पास में जब पावर आ जाती है तो कई बार वो गर्वित हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि पावर का सोर्स भगवान है। भक्तों को कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, ये हमेशा हमको समझ में आने चाहिए। भगवान अपने दोनों भक्तों की रक्षा करना चाहते थे। देखिए, एक तो इंद्र के गर्व के द्वारा जो इंद्र कुकर्म करने वाले थे उससे सारे व्रजवासियों की रक्षा करते हैं, और इंद्र के मान को तोड़कर उनके गर्व को तोड़कर भगवान इंद्र की भी रक्षा करना चाहते हैं। दोनों के लिए ही भला था। ये भगवान की जो लीला है ये दोनों भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कई बार प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये देवता गण जो है भूल जाते हैं कि मैं अगर इस पोजीशन में हूं, इस स्थान पर हूं, तो किसकी वजह से हूं? भगवान की कृपा की वजह से। तो इंद्र भी उसी प्रकार से सोचने लगे, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरे ऊपर और कोई नहीं है, मेरी ही पूजा होनी चाहिए। तो ऐसा सोच करके जो है इंद्र ने क्या किया, अगर इंद्र चाहते तो ऑर्डिनरी बादल जो होते हैं, जो बारिश होती है उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोग छाता ले लेते हैं, है ना। हुगली धारवाड़ में कई बार, इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो जब बारिश होती है तो हम लोग क्या करते हैं, छतरी लेकर के काम कर लेते हैं। तो छोटी मोटी बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने उन बादलों को बुलाया जिन बादलों के द्वारा इस भौतिक संसार का प्रलय होता है। प्रलय के समय में क्या होता है, बहुत घनघोर बारिश होती है, पूरा ब्रह्मांड, जितने ये ब्रह्मांड है सब पानी से भर जाते हैं, तब घोर प्रलय हो जाती है, कोई जीवन इसमें नहीं रह जाता है। उस प्रकार के बादल जिनको संवर्तक बादल कहा जाता है, इंद्र ने उन बादलों को बुलाया, एक दिन दो दिन नहीं, लगातार 7 दिन तक व्रजवासियों को सजा देने के लिए घनघोर बारिश वहां पर उसने करवाई। लेकिन भगवान जो है तुरंत उन्होंने जो है अपनी छोटी उंगली के द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे व्रजवासियों को कहा कि तुम चिंता मत करो, इंद्र जो है गर्वित होकर के क्रोधित क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त जो है
उसका कभी विनाश नहीं होगा। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता, भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, साधुओं की रक्षा के लिए मैं हमेशा आता हूं। तो भगवान ने जो है तुरंत गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा लिया और सारे व्रजवासी जो है छत्री की तरह भगवान ने जो है गोवर्धन पर्वत को उठाया। भागवत में बताया है कि जिस प्रकार से छोटा बच्चा मशरूम का पेड़ उखाड़ लेता है, बाकी पेड़ भारी होते हैं, मशरूम का पेड़ आपने देखा होगा, उसको हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हैं, छोटा सा पेड़ होता है, छतरी जैसा होता है, बच्चा भी उसको उठा लेता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने जो है गोवर्धन पर्वत अपने हाथ पर उठाया। तो गोवर्धन पर्वत जब उठाया तो क्योंकि ये भगवान की योग माया है, जितने भी व्रजवासी हैं उनको ये ध्यान नहीं है कि ये भगवान है कृष्ण, जैसे इंद्र भी सोच रहे हैं ये तो ऑर्डिनरी बालक है, लेकिन इंद्र गर्व के द्वारा ऐसा सोच रहे हैं, व्रजवासी भगवान की योग माया के द्वारा सोच रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते थे कि जो उनका संबंध व्रजवासियों के साथ में है उसमें कोई विघ्न नहीं आनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपका मित्र जो है बहुत बड़ा आदमी है और आपको हमेशा याद रहता है मेरा मित्र बहुत बड़ा आदमी है, तब आप सही प्रकार से उसके साथ मेल मिलाप नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा लगेगा अरे भाई मैं तो छोटा आदमी हूं, ये तो बड़ा आदमी है। नहीं, जब दोस्ती होती है तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार भगवान जो है अपने संबंध बनाने के लिए भक्तों के साथ में उनको भुला देते हैं कि मैं भगवान हूं। यशोदा माई नहीं सोच रही है कि कृष्ण भगवान है, यशोदा माई सोच रही नहीं ये तो मेरा बेटा है। जैसे हम लोग अपने बच्चे को पनिशमेंट देते हैं, सजा देते हैं, डंडी लेकर के उनके पीछे भागते हैं, यशोदा माई भी परम ब्रह्मा कृष्णा उनके पीछे लेकर के जो है छड़ी लेकर के भाग रही है। तो जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान की योग माया के द्वारा, सभी लोग सोचने लगे अरे छोटे बच्चे ने पर्वत उठा लिया, जरा इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो नंद बाबा ने भी जो है अपनी छड़ी लगाई कि मैं भी थोड़ा गोवर्धन पर्वत को उठा लूं। और 7 दिन लगातार बिना भूख के बिना प्यास के भगवान की कृपा के द्वारा न इन व्रजवासियों को भूख लगी न प्यास लगी। आनंद के द्वारा भगवान का कीर्तन करते हुए 7 दिन लगातार जो है व्रजवासी सब गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े रहे। तो ये भगवान की जो है गोवर्धन लीला थी। इसके बाद में इंद्र जो है उसको अकल आती है, वो देखता है कि 7 दिन के बाद में भी कुछ नहीं हुआ, तो तुरंत जाकर के जो है भगवान के चरण कमलों पर गिर जाता है और क्षमा याचना करता है। और बाद में आप जब गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो आप देखेंगे सुरभि गाय लेकर के इंद्र आए और उन्होंने जो है इन हजारों सुरभि गाय से जो दूध निकला और पवित्र पानी के द्वारा भगवान के चरण कमलों का अभिषेक किया और उस दूध से और उस अमृत पानी से जो कुंड बना आज उसे गोविंद कुंड कहते हैं। वो गोविंद कुंड भी गोवर्धन पर्वत में है। इसी गोवर्धन पर्वत में भगवान का सबसे श्रेष्ठ कुंड राधा कुंड और श्याम कुंड भी है। भगवान कहते हैं जिस वेदों में बताया है जितनी भगवान को राधा प्रिय है उतना ही प्रिय है भगवान को श्रीमती राधा रानी का कुंड है जहां पर वो स्नान करती है जिसे राधा कुंड कहते हैं। तो ये भी जो है गोवर्धन परिक्रमा में जब आप कभी जाएंगे तो आप वहां पर ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी गोवर्धन की लीला रचाई और प्रभुपाद जी कहते हैं इस लीला के द्वारा भगवान जो नास्तिक लोग हैं उनको ये भी समझाना चाहते थे कि हमें किसी भी लोगों को भगवान नहीं समझ लेना चाहिए जो मूर्ख लोग हैं। कई बार क्या होता है हम लोग कोई छोटा मोटा किसी का जादू देख लेते हैं, कोई हाथ से सोना निकालता है तो हम लोग सोचते हैं ये भगवान है और हम लोग जो उनकी पूजा में लग जाते हैं। ऐसे अनेकों प्रकार के बाबा आपको दिख जाएंगे जो अपने आप को भगवान
या उनके भक्त लोग उनको भगवान मानते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर भगवान और भगवान के जो अवतार होते हैं वो ऐसे कार्य करते हैं जो असाधारण है, जो साधारणतः कोई नहीं कर सकता है। जैसे समुद्र के ऊपर राम भगवान ने पुल बांधा, समुद्र के ऊपर कौन पुल बना सकता है? केवल भगवान बना सकता है, और वो भी कैसे? इंजीनियरिंग के द्वारा नहीं, आर्किटेक्चर के द्वारा नहीं, केवल पत्थरों को फेंक करके। और वो पत्थर भी, जनरली हम लोग पत्थर पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा, डूब जाते हैं, लेकिन भगवान के बल के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा ये पत्थर भी जो है पानी में तैर रहे थे। राम भगवान जब ये समुद्र जो है रास्ता नहीं दे रहा था तो राम भगवान क्रोधित हो गए। उनके वेदों में बताया, रामायण में बताया कि जब राम भगवान क्रोधित हो गए समुद्र जो है उसका पानी गर्म हो गया। हम में से कोई कर सकता है? जो लोग अपने आप को भगवान कहते हैं हम लोग क्रोधित हो करके पानी को गर्म कर सकते हैं? फिर तो गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोलार हीटर की ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज हम लोग पानी को देख लें अपनी आंखों से और पानी गर्म हो जाएगा? नहीं, ये असाधारण चीजें जो है केवल भगवान कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार गोवर्धन पर्वत को उठाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। भगवान ने अपने बचपन में ही गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठाया, अपनी छोटी उंगली के ऊपर उठाया। तो ये दर्शाने के लिए कि कोई अगर अपने आप को कहता है कि मैं भगवान हूं तो हमें कहना चाहिए कि पहले गोवर्धन पर्वत उठाओ तब हम मानेंगे कि तुम भगवान हो। इसी प्रकार से भगवान ने जो है असाधारण लीलाएं रची। जैसे एक ऑर्डिनरी व्यक्ति, उसके लिए हम लोग देखते हैं मानव जीवन में हम लोग कितनी शादी कर सकते हैं, एक पत्नी को संभालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोग चार शादी कर सकते हैं, पांच कर सकते हैं, दस कर सकते हैं, पंद्रह कर सकते हैं। भगवान ने 16,000 शादी की, 16,108 भगवान की जो है रानियां थी। और सभी के लिए जो है, अगर हम किसी जो है हमारे पास में अगर कोई व्यक्ति उनकी 16,000 पत्नियां हैं, उनको अगर एक एक दिन भी देना है कि भाई मैं तुम्हारे साथ एक दिन बिताऊंगा, कितने दिन लग जाएंगे? 16,000 दिन तो लग जाएंगे एक एक पत्नी के लिए। भगवान जो है उन्होंने 16,000 रानियों के लिए 16,000 संगमरमर हीरे स्वर्ण जड़ित भगवान ने पैलेसेस बनाए, महल बनवाए द्वारका में। जब नारद मुनि द्वारका में गए तो स्तंभ रह गए। भगवान हर एक रानी के साथ में, हर एक महल में एक समय में मौजूद थे। ये भगवान की लीला है। तो गोवर्धन लीला भी भगवान की जो है इस प्रकार की अद्भुत लीला है। और खासकर जो है इस लीला के द्वारा हम भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्त वत्सल हैं, ये हम लोग जो है समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री गोवर्धन पूजा की, राधा गिरिधारी की।